नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा। पारी खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तीन दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, नीति आयोग की बैठक में लिया हिस्सा, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कर सकते हैं मांग। केंद्रीय बजट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2047 के विकसित भारत के लिए है बनाया, उत्तराखंड के लिए होगा महत्वपूर्ण साबित। रुड़की आईआईटी का 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित, 2513 छात्रों को दी गई डिग्री, सभी छात्रों को दी बधाई। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, मॉल्स और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, एक्सपायरी डेट की सामग्री की जब्त। और उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाही तबाही, गंगोत्री धाम में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, टिहरी में भूस्खलन से मकान में दबकर मां बेटी की मौत। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक में मौजूद, राज्य के लिए विशेष सहायता का अनुरोध कर सकते हैं। इस दौरान कई अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी बता दें कि अनुरोध किया जा सकता है, अतिरिक्त सहायता का भी विषय रखा जा सकता है। इसके साथ ही योजनाओं में वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की पैरवी की जा सकती है। राज्य के पर्यावरणीय योगदान के साथ ही सामरिक और भौगोलिक दृष्टि का भी हवाला दे सकते हैं। वहीं रविवार को दिल्ली में होने वाली मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में भी वो हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार देर शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है। केंद्रीय बजट को लेकर के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्रीय बजट 2047 के विकसित भारत के संकल्प को देखते हुए बनाया गया है और ये बजट विकसित भारत के आधार को मजबूत करेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये बजट उत्तराखंड के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बजट में उत्तराखंड को काफ़ी कुछ मिला है, ये बजट उत्तराखंड के विकास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। केंद्र की सरकार द्वारा जो उनको अनुदान दिया जाता था, तो सरकार की के द्वारा जो सहायता दी जाती थी अनुदान की राशि, उसमें भी यूपीए की तुलना में एनडीए मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 253% की बढ़ोतरी की। आप इस आंकड़े को जरा उठाकर देखिए, तो मैं तो इसको रिपीट करना चाहूंगा कि आप देखिए, जब हम बातें जो करेंगे, लेकिन जब तक हम विकास चाहते हैं किसी राज्य का, तो केंद्र को उसकी सहायता अनुदान की राशि में और कर हस्तांतरण की राशि में जब वृद्धि कर इतनी आर्थिक सहायता उत्तराखंड को मिला है मोदी जी की सरकार में, तो उत्तराखंड आज दावे के साथ, सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही नहीं कर रहे हैं और सिर्फ उत्तराखंड की सरकार और एनडीए बीजेपी के लोग नहीं करें, पूरे देश के लोग कहते हैं। यह जो व्यवस्था मोदी जी बनाए हैं कर हस्तांतरण का और राज्यों के अनुदान का, यह राज्यों को प्रगति देने में काफी सहायक हो रहा है।
कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही केदारनाथ प्रतिष्ठान रक्षा यात्रा को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष धरेंद्र प्रताप द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस की यात्रा को लेकर भ्रामक प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ में सोना चोरी करने के आरोप लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं दिल्ली में बनने जा रहे केदारनाथ मंदिर को उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाते हुए सीएम धामी से माफी की मांग की है। उन्होंने बताया 4 जुलाई को इस यात्रा का हिस्सा लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन सकते हैं, जिसको लेकर प्रस्ताव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेज दिया है। स्पष्ट कहना है, ये जो यात्रा है, ये यात्रा भाजपा के द्वारा पवित्र केदारनाथ धाम जी की जो अवमानना की गई है, अपमान किया गया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जंग का ऐलान है। वो लोग बहुत धर्म के, हिंदुत्व के पुरोधा बनते हैं और उधर 228 किलो का सोना चुरा के ले गए, इसका कांग्रेस पार्टी जवाब चाहती है। हमारी मांग है प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री पे मुझे भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री झूठ बोलो के सारा अपना काम चला रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री से मांग है, और सीबीआई की मांग नहीं कर रहा हूँ। सीबीआई तो उन्होंने नेताओं के पीछे लगा रखी, उन्होंने कांग्रेस को तंग करने के अलावा इसका कोई उपयोग रह नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव जज से इसकी जाँच होनी चाहिए। इसका हमने हिसाब लगाया, कोई 7,000 रुपया तोला आज सोने का भाव है, इसको 228 से गुणा करो, कितना 10 ग्राम का, फिर 100 ग्राम का, फिर 1,000 ग्राम का, तो 2,000 ग्राम और 28 का और करो तो ये कोई अरबों रुपए से ज़्यादा पड़ता है। तो ये अरबों रुपए का सोना इस तरह तो चंगेज खान और मोहम्मद गोरी के लोग भी नहीं ले गए थे जितना भाजपा के ले गए। इसका जवाब उत्तराखंड की जनता चाहती है। रुड़की आईआईटी में 24वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2,513 छात्रों को डिग्री दी गई, जिसमें 1,277 स्नातक के छात्र और 794 स्नातकोत्तर और 442 पीएचडी के छात्रों को डिग्री उपलब्ध कराई गई। ये कार्यक्रम रुड़की आईआईटी के दीक्षांत भवन में आयोजित किया गया। इस मौके पर आईआईटी के प्रोफेसर के पंत ने सभी छात्र और छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। वहीं इस दौरान छात्राओं ने भी अपने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनकी मेहनत आज रंग लाई है, जिसे लेकर वो अति प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। और मैंने पीएचडी की डिग्री ली है अभी, और बहुत बहुत खुशी हो रही है कि एक पीएचडी डिग्री फ्रॉम सच एन एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन से मुझे मिली है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर माय ओन सेल्फ एंड फॉर ईच एंड एवरी वन हु इज गेटिंग डिग्री, हु इज गेटिंग कॉन्वोकेटेड हियर। थैंक यू सो मच। परिश्रम करना पड़ता है, बहुत बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड बहुत ही फोकस होकर के अपने काम पे टारगेट करके ही एक टाइमलाइन में हमें अपना काम कंप्लीट करना होता है। मेरी डिग्री अर्थ साइंसेज है, इंटीग्रेटेड एमटेक, और मतलब 5 साल की जो डिग्री होती है, और बाकी मतलब वही जेई दे के आए हैं। मज़ा आया कॉलेज में, मतलब मैं तो कहूँगा कि सबसे अच्छा पार्ट है लाइफ का, और भी अच्छा लग रहा है डिग्री मिल रही है तो। प्रोडक्शन इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में, और मैं यूपी से हूँ, और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है वापस से कॉलेज आकर। और यूपी में किस जगह से हैं? यूपी में धामपुर से। कितनी परिश्रम भी करना पड़ा यहाँ पर आपको? परिश्रम तो कुछ नहीं, बस पेरेंट्स का सपोर्ट रहा पूरा, उसी में सब हुआ है। हल्द्वानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन पर खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के मॉल्स और मेडिकल स्टोर सहित जनरल स्टोर में छापेमारी की। इस दौरान मुखाने स्थित मॉल में एक्सपायरी डेट का आटा, बिस्किट, आचार सहित कई खाद्य सामग्री को जब्त किया गया। कई दुकानों में एक्सपायरी मसाले, एक्सपायरी बिस्किट, एक्सपायरी दवाइयाँ सहित कई चीज़ें एक्सपायरी डेट की मिली। कई दुकानों में एक साल पहले एक्सपायर हुए मसाले सहित अन्य खाने पीने की कई वस्तुएं मिली। मेडिकल स्टोर में जांच की गई तो कई दवाई एक्सपायर मिली, जिसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए एक्सपायरी दवाओं को अलग रखने का निर्देश दिया है। FDA की छपी मैरी के दौरान मेडिकल लाइसेंस की भी जाँच की गई। में माननीय जिला विधि सेवा प्राधिकरण के आदेशों के क्रम में
औषधि विभाग व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम प्रशासन के साथ हम लोगों ने हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों का, जिसमें मेडिकल स्टोर और खाद्य प्रतिष्ठान है, उनका संयुक्त निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया। क्या रहा निरीक्षण के दौरान? हमने एक्सपायरी जो फूड आइटम्स हैं, ड्रग आइटम्स हैं, उसके अलावा जो भी कंडीशन ऑफ लाइसेंस में हमारा रहता है उसके अंतर्गत हमारे द्वारा चेकिंग की गई है। कितने लोगों के पास लाइसेंस है, एक्सपायरी दवाएं मिली और क्या एक्शन होने जा रहा है? एक्सपायरी मेडिकल स्टोरों में एक्सपायरी बॉक्स पाया गया था जिसमें दवाइयां रखी गई थी, तथा जिस फूड संस्थानों में जहां एक्सपायरी दवाएं मिली उन पे अग्रिम कार्रवाई फूड सेफ्टी विभाग द्वारा की जाएगी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पे आज मुखानी एरिया में हमने ड्रग और फूड के डिपार्टमेंट ने ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया। ड्रग का तो मैडम ने बता दिया, फूड का हम लोग लगभग 13 से 14 दुकानों का निरीक्षण किया और 3-4 जगह पे हमने एक्सपायरी भी पाया है। एक और उसमें एक का तो हमने चालान किया, काफ़ी वहाँ पे एक्सपायरी मिला है, तो उसमें सेक्शन 27(3)(a) के वायलेशन हुआ है और 58 में हमने चालान किया उनका। आगे का प्रोसेस क्या है सर? और पीरियड अभी तो वाइंड अप करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया है और अगले महीने हम सूचित कर देंगे। सावन आते ही कावड़ मेले की रौनक शुरू हो जाती है। हरिद्वार में लगने वाले कावड़ मेले में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। गंगाजल भरकर ये भक्त अपनी कावड़ यात्रा पर निकल जाते हैं और इस दौरान हरिद्वार में मेला लगता है, जिसकी वजह से काफी रौनक रहती है। हरिद्वार में हर की पैड़ी को ड्राई एरिया घोषित किया गया है, यानी यहाँ शराब प्रतिबंधित है। ऐसे में कुछ असामाजिक कावड़ मेले में आने वाले भक्तों को शराब सप्लाई करने से बाज नहीं आते। हरिद्वार पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग को शराब के जखीरे के साथ पकड़ा। जानकारी के मुताबिक छापेमारी करते हुए पुलिस ने अंग्रेजी और देसी शराब के 750 पौए और 20 बियर की कैन बरामद की है। पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार कर रहे 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जबकि उनके साथ शामिल 2 महिलाएं फरार बताई जा रही हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोईवाला के दुर्गा चौक जोली ग्रांट निवासी चंद्रमोहन सिंह नेगी आईटीबीपी में बतौर निरीक्षक के पद पर तैनात थे। 25 जुलाई को पेट्रोलिंग के दौरान लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में साथियों के लिए वैकल्पिक ब्रिज बनाते हुए नाला क्रॉस करते समय पानी के तेज बहाव में बह गए और 100 मीटर दूरी पर आईटीबीपी की अग्रिम चौकी द्वारा उन्हें बचाया गया और अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वहीं आज उनका पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट स्थित उनके आवास पर पहुंचा, जहां आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने सशस्त्र श्रद्धांजलि देते हुए शहीद के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी। तो वहीं सरकार की ओर से परिवार को सांत्वना देने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और आईजी संजय गुजियाल पहुंचे। पूरी भारत की सरकार, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इनके साथ में खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद के सम्मान में खड़ा रहना, उसकी विद्या का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। आज मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अपनी ओर से उस महान शख्सियत को सदस्य किए नमन किए हैं और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हमारी सरकार खड़ी है और जो हमारी सरकार की घोषणाएं हैं कि शहीदों के नाम पर द्वारों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, विद्यालयों का निर्माण, जो भी ये परिवार चाहेगा उसके अनुरूप किया जाएगा। अपने देश के लिए एक सबसे बड़ा सेक्रीफाइस दिया है आईटीबीपी हिमवीर परिवार, उनके शहादत को नमन करता है। और हिमाचल में भारत ओपी के पास में LAC से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक विशेष सूचना पे एक शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग के लिए ये SRP में जा रहे थे, तो उस दौरान अपने साथियों के लिए एक जगह पानी बहुत बढ़ गया था
तो ब्रिज बनाया जा रहा था, टेम्परेरी ब्रिज, उस पे सबसे आगे बढ़कर आप अपने साथियों को क्रॉस कराने के लिए बनाते समय ये घटना घटी है। और जो उन्होंने एक सुप्रीम सेक्रीफाइस राष्ट्र हित पे देश सेवा में दिया है। लोहाघाट विकासखंड के नेपाल सीमा से सटे मडलक क्षेत्र के सुप्रसिद्ध भगवती मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा मडलक भगवती मंदिर से मडलक बाजार होते हुए मजपीपल गांव में स्थापित पुरातन शिव मंदिर से होते हुए वापस देवी मंदिर पहुंची। इस दौरान नमो भगवते वासुदेवाय से गुंजायमान नारों से पारंपरिक लिबास में भारी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग लिया। लक्सर में शिव चौक के पास स्थित रुद्र महादेव शिव मंदिर पर हर साल सावन माह में भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं इस साल भी आगामी 30 जुलाई को मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सावन माह में कावड़ यात्रा के दौरान होने वाले इस विशाल भंडारे में साधु संत ऋषि मुनि शिव भक्त कावड़िये आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना कर मनोकामना मांगते हैं। मंदिर पर रहने वाले बाबा फूलगिरी महाराज का कहना है, हर साल सातवें सावन के माह में यहां मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें साधु संत शिव भक्त कावड़िये प्रसाद पाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया, ये परंपरा हमारे पूर्वज गुरु चलाते आ रहे हैं और उसी परंपरा को हम आगे लेकर चल रहे हैं। रुद्रदेव मंदिर है, शिवरात्रि महाशिवरात्रि चल रही है, 30 तारीख में हमारे हर सातवां महीना 30 तारीख को भंडारा होता है। संत महात्मा ऋषि मुनि भगत जगत कावड़िये सभी आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद पाते हैं। ये हमारे गुरु जी ने ये परंपरा चलाते रह कर चले आए हैं, उसी परंपरा को तिथि को हम भी लेकर चल रहे हैं। हल्द्वानी में एसओजी और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 जुलाई को धारदार हथियार से हमला करने वाले दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि 20 जुलाई को नुमाइश के अंदर पार्किंग को लेकर पार्किंग ठेकेदार और गांधी आश्रम में रहने वाले अजीत सिंह बगड़वाल के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। वहीं पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की। इसके बाद पुलिस ने 24 जुलाई को मुख्य द्वार आरोपी को गिरफ्तार किया। बीस जुलाई को हल्द्वानी में नुमाइश के दौरान एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें पुलिस ने तत्काल FIR रजिस्टर करते हुए कुछ लोगों को पहले गिरफ्तार किया। इसमें दो लोग जो थे वो फरार थे और ये दो लोग न केवल इस घटना में शामिल हैं, जबकि ये अंतर जो जनपदीय गैंग हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन लोगों के बारे में पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने अपने जो सर्विलांस है उसको एक्टिवेट किया और ये जो दो अभियुक्त हैं इनको हमने गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्त की एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है और ये दोनों अभियुक्त हत्या के प्रयास में, अवैध हथियारों की सप्लाई में, इसके अलावा मारपीट, लोगों को धमकाना और पैसा वसूल करने के इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सलूर डूंगरा गांव में हर साल की तरह इस साल भी हरेला महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने अपने गांव के आसपास के बंजर भूमि में तकरीबन 500 से ज्यादा पौधों का रोपण किया। आपको बता दें, इस शुभ मौके पर सलूर डूंगरा गांव के राजकीय इंटर कॉलेज के सभी छात्रों ने भी ग्रामीणों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। स्थानीय महिलाओं ने इस मौके पर पारंपरिक लोक नृत्य का भी आयोजन किया। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में भी लगातार बारिश होने के कारण गंगा जलस्तर घाट से ऊपर उफान पर जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे कि भागीरथी शिला तक गंगा जल भरा है। वहीं जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पंच मंदिर समिति द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा कांवड़ियों को जल भरने की पूरी सुरक्षा दी जा रही है। आज माँ भगवती गंगे का जल स्तर बढ़ा हुआ है और हम सभी लोग चिंतित हैं
और माँ भगवती गंगा सिंचाई विभाग के बंगले के पास से डाइवर होके पूरे VIP घाट से होते हुए भागीरथ शिला पे पहुँच रही है, जिसे बड़ा चिंता का विषय है। लास्ट ईयर जो सुरक्षा वाल लगाई गई थी पल्ली पार के लिए, उससे काफ़ी सुरक्षा हो रही है, पर जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया है सारा जो मलमा है वो सही ढंग से उसको निकाला नहीं गया है। मैं जिला प्रशासन एवं उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करूँगा कि जैसे ही माँ भगवती गंगे का जल स्तर कम होता है, जितना भी ये गाद आया हुआ है इसको तुरंत हटाने की वो की जाए, कार्रवाई की जाए, ताकि गंगा का जल स्तर आने वाले समय पर निचले स्तर पर बहे। यदि ये गाद नहीं हटाया जाएगा तो माँ गंगा जी का जल स्तर ऊपर बढ़ता जाएगा, जिससे जो पूरी मंदिर को भी खतरा हो सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश से गंगा का विकराल रूप देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। हरिद्वार में गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है और इससे भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जल स्तर 293.30 मीटर हो गया, जो चेतावनी रेखा के निशान 293 से ऊपर है। तो वहीं 294 मीटर गंगा का जल स्तर के खतरे का निशान है। प्रशासन और UP सिंचाई विभाग के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। हालांकि रात तक जल स्तर के सामान्य होने के भी अनुमान है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए JNTV के साथ। नमस्कार।